दोस्तों, कोरोना वायरस से देश को बचाने के लिए इस समय सारा बॉलीवुड साथ मिलकर काम कर रहा है। एक तरफ जहां बॉलीवुड लोगों से घर में रहने की अपील कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गरीबों की आर्थिक मदद में सहायता भी कर रहा है। बॉलीवुड के फैंस ये जानना चाह रहे हैं कि उनकी फेवरेट सितारों ने कोरोना से जारी जंग में कितना सपोर्ट किया है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि बॉलीवुड में अभी तक किसने कितना दान दिया है। इसकी पूरी लिस्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। पहले बात करते हैं दोस्तों ऋतिक रोशन की। ऋतिक रोशन ने महाराष्ट्र में बीएमसी वर्कर्स के मास्क और सैनिटाइजर के लिए 20 लाख रुपए डोनेट किए हैं। ऋतिक ने अपने कदम की जानकारी ट्विटर पर देते हुए कहा कि वो बीएमसी वर्कर्स और अन्य सहयोगियों के लिए मास्क खरीदने के लिए दान कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में 25 करोड़ रुपए का दान देकर अपना योगदान किया है। आपको बता दें कि अक्षय ने इस डोनेशन की घोषणा करते हुए लिखा था कि ये वो समय है जब हम सबके जीवन का सवाल है और हमें कुछ करने की जरूरत है, हम जो भी कर सके। मैं अपनी बचत से 25 करोड़ रुपए का योगदान पीएम राहत कोष में देने की प्रतिज्ञा करता हूँ। आओ जीवन बचाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। इसके बाद बात करते हैं वरुण धवन की। वरुण धवन ने कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए 55 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वरुण ने ट्वीट करके लिखा कि मैं महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में 25 लाख रुपए के सहयोग की घोषणा करता हूँ। इसके अलावा इन्होंने 30 लाख रुपए प्रधानमंत्री कोष में देने की घोषणा की है। इसके बाद हैं शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने 21 लाख देने की बात की है। शिल्पा शेट्टी ने कहा कि इंसानियत के नाते देश को और नागरिकों को हमारी जरूरत है। यही वक्त है जब हमें अपना काम करना चाहिए। राज कुंद्रा और मैं नरेंद्र मोदी जी के पीएम केयर्स फंड में 21 लाख का दान दे रहे हैं। समुद्र में हर बूंद मायने रखती है, इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप भी मदद के लिए आगे आए। आइए मिलकर कोरोना वायरस से जंग जीतें। इसके बाद हैं प्रभास। बाहुबली से चर्चित हुए तेलुगु स्टार प्रभास ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 4 करोड़ रुपए दान किए हैं। प्रभास ने 3 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में और 50-50 लाख रुपए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रभास से पहले तेलुगु अभिनेता पवन कल्याण 2 करोड़, उनके भतीजे रामचरण ने 70 लाख, उनके तेलुगु सुपरस्टार पिता चिरंजीवी ने 1 करोड़ रुपए और युवा सुपरस्टार महेश बाबू भी 1 करोड़ रुपए राहत कोष में दान कर चुके हैं। इसके बाद हैं भूषण कुमार। टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने 12 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। भूषण कुमार ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए बताया कि वो पीएम केयर फंड में 11 करोड़ रुपए का दान करेंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र सीएम फंड के लिए वो 1 करोड़ रुपए का दान करेंगे। इसके साथ भूषण कुमार ने ये भी लिखा कि इस मुश्किल घड़ी को हम पार कर जाएंगे, घर पर ही रहिए और सुरक्षित रहिए। इसके बाद हैं डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी। डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने भी 1.5 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। उनके इस पहल को लेकर अब उनकी ढेर सारी तारीफें की जा रही हैं। डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा, अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के बाद मैं अपने पर्सनल फंड से 1 करोड़ रुपए पीएम रिलीफ फंड में देने की घोषणा करता हूँ। इसके बाद हैं गुरु रंधावा। गुरु रंधावा ने 20 लाख रुपए की मदद करते हुए कहा है कि मैं अपनी बचत से 20 लाख रुपए का योगदान कर रहा हूँ। आइए एक दूसरे की सहायता करें। जय हिंद। इसके बाद हैं कपिल शर्मा। बॉलीवुड के स्टार कॉमेडियन कपिल शर्मा ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 50 लाख रुपए डोनेट किए हैं। आपको बता दें कि टीवी की दुनिया के सितारों में मनीष पॉल ने 20 लाख, अर्जुन बिजलानी ने 5 लाख रुपए दान किए हैं। इन सब के अलावा दोस्तों आपको बता दें कि सलमान खान लॉकडाउन के बीच 25,000 दिहाड़ी मजदूरों की मदद कर रहे हैं। हालांकि सलमान खान ने इसके बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन मीडिया में खबरें आ रही हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े 25,000 दिहाड़ी मजदूरों को सलमान खान हेल्प कर रहे हैं। वहीं अमिताभ बच्चन के भी गुप्त दान की बातें की जा रही हैं। ये बात अमिताभ के एक ट्वीट करने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे आपके फेवरेट सितारे जिन्होंने अब तक कोरोना वायरस रिलीफ फंड में अपना अपना योगदान दिया है। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोमांचक और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।